चार्ज फ्लोन थ्रू अ क्वाइल ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, आज हमने किया भी था। अगर मान लो एक क्वाइल रोटेट करता है, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है, उसमें इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है, तो उसमें चार्ज फ्लो करता है। तो कितना फ्लो करता है ये क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड डी फाई बाई डी टी, ईएमएफ से करंट इंड्यूस क्या होगा ई बाई आर, यानी कि डी फाई बाई डी टी बाई आर, लेकिन करंट क्या होता है डी क्यू बाई डी टी, डी टी डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास स्मॉल चार्ज की वैल्यू आ गई 1 बाई आर इंटू डी फाई। ये स्मॉल चेंज इन फ्लक्स है, स्मॉल चार्ज फ्लो कर रहा है, तुम इंटीग्रेट करोगे तो डेल्टा क्यू और डेल्टा फाई आ जाएगा। तो तुम अपने फॉर्मूला रजिस्टर में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नोट करो, एनसीईआरटी के लिए भी ये लगता है कि डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो का फॉर्मूला 1 बाई आर इंटू डेल्टा फाई। कितना चार्ज फ्लो कर गया, 1 बाई आर इंटू डेल्टा फाई। तो अगर तुम चेंज ऑफ फ्लक्स को रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो चार्ज का शॉर्टकट आएगा। आज जो एनसीईआरटी की शीट करवाई थी ना, उसमें एक चार्ज निकाला था और मैंने कहा मैं शॉर्टकट बताऊंगा, यही वो शॉर्टकट है। कुछ करना ही नहीं है, डेल्टा फाई को आर से डिवाइड कर देना है। जैसे जैसे सेम क्वेश्चन जो आज हमने किया, इमेजिन करो ये लूप ऐसे पड़ा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, इसका एरिया पाई ए स्क्वायर है, रेडियस ए है। तो इमेजिन करो एक मिनट के लिए बी बोर्ड के अंदर है और एरिया भी बोर्ड के अंदर है, तो बी और एरिया में एंगल क्या है, जीरो। तुमने इसको पलट दिया 180 घुमा दिया, तो अब नया बी और एरिया वेक्टर में एंगल क्या हो गया, 180। तो पहले बी और ए में एंगल जीरो, तुमने पलट दिया तो बी और ए में एंगल 180। तो इनिशियल फ्लक्स क्या है, बी ए कॉस जीरो, फाइनल फ्लक्स क्या है, बी एरिया कॉस 180। चेंज और क्वेश्चन आएगा चार्ज कितना इसमें चला गया ये बताओ। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या है, 1 बाई आर इंटू चेंज ऑफ फ्लक्स। चेंज ऑफ फ्लक्स क्या है, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, जीरो नहीं होगा। तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड लेना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स चेंज को रेजिस्टेंस से डिवाइड किया तो चार्ज की वैल्यू आएगी आंसर। तो आज के बाद चार्ज का क्वेश्चन आया तो चेंज ऑफ फ्लक्स को आर से डिवाइड करेंगे, सीधा चार्ज फ्लो वैल्यू आ जाएगी।